अस्सलाम वालेकुम, माह सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ माह द एग्रेरियन। टुडे वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 9th, 10th एंड 11th ऑफ मार्च 2023। अच्छा, जो कुछ करंट अफेयर्स रहते हैं फर्स्ट टू 8th ऑफ मार्च तक, मैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। ठीक है, सबसे पहले नेशनल के पॉइंट्स देख लेते हैं। 9 मार्च के करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंजेस शेरी रहमान, करंट इंटीरियर मिनिस्टर इज़ राना सनाउल्ला, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ उमर अता बंदियाल एंड जमील अहमद इज़ करंटली एक्टिंग एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में रिसेंट कमिंग डेज में T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेली जाएंगी, तो उसके लिए मोहम्मद यूसुफ को इंटरिम कोच सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड की वजह से कितना नुकसान हुआ है। तकरीबन 1700 डेथ्स हुई हैं, 8 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं लोगों की, और 13,000 ऐसे लोग हैं जिनको इंजरीज हुई हैं। उसके बाद है एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन 2021, उन्होंने कहा है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान रिलीजेज मोर एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दैन फ्रॉम इनर्जी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अच्छा, इसका मैंने पहले भी पढ़ा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके उसमें से इमिशंस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें इनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हम देखें तो। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है, 8 मार्च को। उसके बाद है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर कि अंटार्कटिक सी के अंदर जो आइस है उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ठीक है, वो श्रिंक होती जा रही है, और कितना है ये आप लोगों ने ये याद रखनी है ये फिगर। ठीक है, उसके बाद निदा डार इज़ फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। उसके बाद एशियन मैन स्नूकर चैंपियनशिप 2023 दोहा कतर के अंदर होगा 11 से 19 मार्च तक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेनमार्क जो है जिसका कैपिटल है कोपनहेगन, इसने अभी रिसेंटली एक अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड बनाया है, उसके अंदर वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डंप करेगा। ठीक है, आप लोगों ने ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है, और किस प्रोजेक्ट के तहत किया है, ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण बैंक फाउंडर मोहम्मद यूनिस को जो नोबल पीस प्राइज़ मिला था वो 2006 के अंदर मिला था। इनकी एक्चुअली न्यूज़ इस तरह से थी कि इनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस हैं, उन करप्शन के कुछ चार्जेस हैं, तो दुनिया के अंदर जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने बांग्लादेशियों को कहा है कि आप लोग इनके ऊपर इस तरह से बिला वजह करप्शन के चार्जेस ना लगाएं। इन्होंने तो इतना इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, इन्होंने वहाँ पर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए या एलिविएट करने के लिए वहाँ पर मिनी लोन्स दिए थे गरीब लोगों को। ठीक है, उसके बाद है कायरियाकोस, ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसका इस तरह से न्यूज़ थी कि ग्रीस के अंदर अभी एक रेल एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कहा जा रहा है इन प्राइम मिनिस्टर को कि आप अपनी रिज़ाइन कर दें। उसके बाद थाईलैंड के किंग कौन है, महा वजीरा लोंगकर्न। ठीक है, उसके बाद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम 2019 तक देखें तो हमारी सी के ऊपर कितना पार्टिकल है, प्लास्टिक पार्टिकल 171 ट्रिलियन, लेकिन रिपोर्ट आई है 2040 तक अगर हम स्टेप्स नहीं लिए तो उसकी वजह से ये ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, ये किसने दिया, 5 गायरस इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद है अफगानिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर औरतों के राइट्स सबसे ज़्यादा दबाए जाते हैं, वहाँ पर औरतों को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 मार्च में से सबसे पहले है बलूचिस्तान के सीएम है अब्दुल कुदूस बिजनजो। उसके बाद नैब चीफ इस वक्त है नज़ीर अहमद। उसके बाद वर्ल्ड किडनी डे 9 मार्च। उसके बाद है इनकम्बेंट UAE एम्बेसडर टू पाकिस्तान हमाद उबैद इब्राहिम, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सेक्रेटरी जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिस्टर हारिस। उसके बाद करंट DG ऑफ ISI नदीम अंजुम। उसके बाद आर्टिकल 68 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्लेसेस रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शुरा यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल के कुछ पॉइंट 10 मार्च के। सबसे पहले इनकम्बेंट ट्यूनिशियन प्रेसिडेंट कौन है, कैस सईद। उसके बाद है फिफ्थ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की डेट क्या है, 5 से 9 मार्च। अच्छा, ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये एक ग्रुप है जिसके अंदर 46 कंट्रीज़ हैं, इनकी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है, वो मीटिंग की डेट आप लोगों से पूछ सकते हैं 5 से 9 मार्च 2023, और कहाँ है, दोहा कतर के अंदर। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है कमांडर इन चीफ, अच्छा पाकिस्तान और इंडिया की जो 1948 की वार हुई थी उस वक्त इंडिया की इंडियन आर्मी के उस वक्त कमांडर इन चीफ कौन थे, वो थे सर फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस।
उसके बाद है इंडियन हेड, अच्छा जो इंडियन हेड कश्मीर है उसका स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस है वो कब उससे लिया गया था, छीना गया था 2019 के अंदर। उसके बाद है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में सीज फायर लाइन कब बनी थी, 1 जनवरी 1949 के अंदर यूएन की मदद से, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है तालिबान का तालिबान गवर्नर है एक अफगानिस्तान के प्रोविंस के अंदर, बल्ख प्रोविंस के अंदर, उसका नाम था मोहम्मद दाऊद, उनका नाम था मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है 9 मार्च को, ठीक है। उसके बाद है पोम्पी जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इटली के अंदर। उसके बाद है चाइना के करंट फॉरन मिनिस्टर है किंग गैंग। उसके बाद है नेशनल के कुछ पॉइंट्स, सॉरी हाँ जी 11 मार्च के स्टार्ट करते हैं। 11 में से सबसे पहले है नेशनल के पॉइंट्स, उसमें है मोहम्मद सलीम बेग जो है कि पैमरा के चेयरमैन है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद इनाम बट जो है ये पाकिस्तानी रेसलर है एंड फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड बीच गेम्स, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तानी रेसलिंग फेडरेशन के इस वक्त चेयरमैन है सैयद अकील। उसके बाद है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस आजम, मिस्टर आजम। उसके बाद है आर्टिकल 19 ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से डील करता है, ठीक है, इन 2018। अच्छा ये जो फाटा है, फाटा और KPK को किस अमेंडमेंट के तहत मिलाया गया था 2025 के तहत, ठीक है, इन दोनों फाटा को KPK के अंदर मर्ज किया गया था। उसके बाद है NDMA इस वक्त चेयरमैन है इनाम हैदर। उसके बाद है फर्स्ट नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर 10 मार्च 2023 के अंदर साइन हुई थी। उसके बाद है कुछ इंटरनेशनल के पॉइंट, सबसे पहले है ईरान एंड सऊदी अरेबिया के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये इनके टाइज बेहतर होने लगे हैं, ठीक है, थीके? इनके टाइज कब ख़राब हुए थे 2016 के अंदर, ठीक है। और ये अपनी जो इनकी एम्बेसी होती है एक दूसरे मुल्क के अंदर वो भी स्टार्ट करेंगे, और किसने इसको हेल्प की है, ये चाइना ने, ठीक है। उसके बाद है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी पर्सनैलिटी थी, एक थे मिस्टर अली, उसके बाद है मुसाद और एक थे वैंग ये, ठीक है, ये चाइना की तरफ से, ये थे अली जो हैं ईरान की तरफ से और मुसाद जो थे ये सऊदी अरेबिया की तरफ से। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इज सऊदी अरेबिया, करंट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है एंथनी, और उसके बाद है करंट कतर PM शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल्थानी। उसके बाद है UAE प्रेसिडेंट कौन है, जैद अल नहयान। उसके बाद है अच्छा ये एक ऑस्ट्रेलियन स्विमर है केले MCKion, शी ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 200 मीटर बैक स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद है शी जिनपिंग थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही था, अगर आप लोगों को इसका डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप FB के अंदर, FB के ऊपर एक ग्रुप है महादी एग्रेरियन के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।